दोस्तों वेलकम टू इनोवेटिव अंकुश शर्मा कैसे चल रहे हैं। बिजनेस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है सबसे पहले, और मैं आपका होस्ट अंकुश शर्मा स्वागत करता हूं आपका इस वंडरफुल चैनल में। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ जबरदस्त गुड न्यूज देने वाला हूं, क्योंकि अभी हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसका नाम होगा SEP यानी सक्सेस एजुकेशन प्रोग्राम। इस सक्सेस एजुकेशन प्रोग्राम में हम करेंगे क्या कि आपके सामने हम लाएंगे दुनिया की सबसे बेहतरीन पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड यानी PMA बुक्स, और ये PMA बुक्स आपकी लाइफ को बहुत ही इन्हेंस करेंगी, जैसे होगी भगवद गीता, APJ अब्दुल कलाम की बुक्स, और हो गई मैजिक ऑफ थिंकिंग बुक बिग, ऐसी काफी और ज्यादा पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक्स को हम करेंगे अनबॉक्स। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि जब भी हम PMA की कोई बुक या कोई बुक हम रीडिंग करते हैं, क्योंकि हमें पता तो है कि हमें कामयाब होने के लिए बुक्स चाहिए, लेकिन हमसे पढ़ी नहीं जाती क्योंकि थोड़ी सी होती है बोरिंग। सो इसी बोरिंग को हम बनाएंगे इंटरेस्टिंग, क्योंकि आपके लिए अब ये बुक्स जो है वो मैं पढ़ूंगा मैं, और डेली आपके सामने ये बुक्स लेके आएंगे और रोज इस बुक का एक चैप्टर पढ़ेंगे और साथ ही साथ उसको एक्सप्लेन भी करेंगे, राइट। तो कितना बढ़िया रहेगा कि बुक आपके लिए पढ़ूं मैं और साथ में उसको करूं एक्सप्लेन, आप सिंपल अपने हेडफोन के साथ इस वीडियो को या ऑडियो को सुने और साथ ही साथ उसको करेंगे एक्सप्लेन, तो आपकी जो रीडिंग हैबिट है वो भी साथ साथ इनहेंस होती चली जाएगी। तो उसके ग्रेट आइडियाज देखेंगे, क्यों ना हम कुछ इनोवेट आइडिया और निकालें और बढ़िया तरीके से उस वीडियो को हम या उस बुक्स को हम और बढ़िया तरीके से देखें। साथ ही हम आपके लिए काफी काफी अच्छे टॉपिक्स भी लेके आए हैं हेल्थ के लिए, जैसे इनफर्टिलिटी हो गया कि इनफर्टिलिटी केसेस में कैसे कैसे आपने कौन कौन से प्रोडक्ट्स लेने हैं, या मार्केट का कौन सा प्रोडक्ट आपने जो मेडिकल स्टोर में आपको इजीली अवेलेबल है उसका कॉम्बिनेशन बना के आपने कैसे उसमें बढ़िया से रिजल्ट लेने हैं। साथ ही हम देखेंगे और भी काफी, जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, साथ ही ज्वाइंट पेन की प्रॉब्लम्स होगी, तो इन प्रॉब्लम को कैसे आप निकाल सकते हो, कैसे इनका सॉल्यूशन क्या है। साथ ही मोदी के प्रोडक्ट्स हैं, प्योर कंपनी के प्रोडक्ट्स के साथ हम कैसे मार्केट का कॉम्बिनेशन, एक बढ़िया सा कॉम्बिनेशन बना के बढ़िया से रिजल्ट हम ले सकते हैं। सो ये बहुत जल्दी सीरीज आने वाली है जिसका नाम होगा सक्सेस एजुकेशन प्रोग्राम। सो बैक ऑन द टॉपिक, हमारा आज का टॉपिक क्या है कि आज हम बात करेंगे मोस्ट एक्साइटेड डीपेस्ट पॉइंट के बारे में। यस, जैसे कि आपने इस वीडियो का टाइटल पढ़ा, उस वीडियो का टाइटल था मोस्ट एक्साइटेड डीपेस्ट पॉइंट। अब व्हाट इज द मोस्ट एक्साइटेड डीपेस्ट पॉइंट? अच्छा, जब भी हम इस नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो हमेशा एक चीज देखते हैं कि यहाँ पे हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जहां पे होते हो आप, यू, और साथ ही हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं यहाँ पे 2, 4, 5 या 6 लेग्स का। अभी नेटवर्क मार्केटिंग में जब हम नेटवर्क बिल्ड कर रहे होते हैं तो जनरली दो टर्मिनोलॉजी हमारे सामने आती है, वन इज कॉल्ड विड्थ एंड सेकेंड इज कॉल्ड डेप्थ। विड्थ मतलब नंबर ऑफ पीपल यू स्पॉन्सर, मतलब जो पर्सन, जो पीपल आपके थ्रू, जिनके स्पॉन्सर आप हो, जिनको आपने ज्वाइन करवाया है। एंड डेप्थ, आपने जिनको ज्वाइन करवाया है उन्होंने आगे जिनको स्पॉन्सर किया, 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 दिस इज कॉल्ड डेप्थ। दिस इज कॉल्ड विड्थ एंड दिस इज कॉल्ड डेप्थ, राइट? इट्स कॉल्ड विड्थ एंड इट्स कॉल्ड डेप्थ। नाउ मैनी टाइम हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ब्रिथ में काम करें या डेप्थ में काम करें, मतलब वाइड और डीप, वाइड और डीप। सम ऑफ द अप्लायंसेस दैट आप यू हैव टू वर्क ऑन वाइड ग्रुप, राइट, आपको ब्रिथ में काम करना है, और कुछ अप्लायंस कहते हैं आपको डीप में काम करना है। दोनों ही सही है, गलत कोई नहीं है, लेकिन यहां पे अगर आप परफेक्ट बिजनेस चाहते हो, परफेक्ट बिजनेस मतलब प्रॉफिटेबल एंड सिक्योर। आपने एक चीज देखी, मैंने क्या बोला, प्रॉफिटेबल एंड सिक्योर, मतलब यहां से चीज समझ आती है कि जो विड्थ ग्रुप है, जो वाइड ग्रुप है वो होगा प्रॉफिटेबल, और जो डीप ग्रुप है वो होगा सिक्योर। मतलब अगर आपका कितनी लेग्स हैं ये आपका दिखाएंगे कि आपका चेक कितना होगा, मतलब मल्टीपल लेग्स गिव्स यू मेनी बेनिफिट्स, राइट? ज्यादा लेग्स ज्यादा पैसा, ज्यादा डीप लेग्स ज्यादा देर तक पैसा, समझ आ रहा आपको? ज्यादा लेग्स ज्यादा पैसा, ज्यादा डीप तक ग्रुप ज्यादा देर तक पैसा, मतलब कितना चेक है ये दिखाएगा आपकी विड्थ, वो चेक कितनी देर तक आएगा, लाइफ टाइम तक आएगा, वो डिपेंड करता है आपकी डेप्थ पे। अभी जो आपने ए बी सी डी ई एंड एफ या आपने ग्रुप शुरू किए 6, कॉमन सेंस है कि ए बी सी ये जो फ्रंट लाइन्स है आपके, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, क्लियर? कि जो हमारे डायरेक्ट है उनको हम ही ने स्पॉन्सर किया है, उनको हम बिजनेस में लेके आए हैं, तो इनको बिजनेस को गाइड करना, इनके बिजनेस की ओपनिंग करना, इनको बिजनेस के बारे में समझाना, प्रोडक्ट के बारे में बताना, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हमारी है। लेकिन जो ये पर्सन है इनको हम नहीं लेके आए, लेकिन हमारे द्वारा जो लोग आए वो इनको इस बिजनेस में लेके आए, तो इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वेश्चन ये है, हमारी बनती है या उनकी बनती है, राइट? ये जो बंदा ए आया,
ए बंदे के नीचे ए बंदा और आया, तो ये जो डबल ए वाला बंदा है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठाएगा? ए उठाएगा कि हम उठाएंगे? ये क्वेश्चन है, राइट? अच्छा, ए वाला बंदा ए ए ए मतलब एक और नीचे डीप गया, अब इस बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी है या हमारी है? ये क्वेश्चन है, ये नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो आपको काम कहां करना है? नंबर वन, आपको काम करना है गाइड में। अब ए बी सी डी ई एफ इनकी ड्यूटी या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मेरी है, आपकी है, हमारी है, राइट? लेकिन जो इनके नीचे पर्सन है, जो उनके नीचे पर्सन है, जो उनके नीचे पर्सन है, जो उनके नीचे पर्सन है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सो यू हैव टू वर्क ऑन वाइड एंड प्लस यू हैव टू वर्क ऑन मोस्ट एक्साइटेड डीपेस्ट पॉइंट। इट्स कॉल्ड मोस्ट एक्साइटेड डीपेस्ट पॉइंट। मतलब यू हैव टू फाइंड आउट कि जो 10-12 लोग नीचे तक गए इनमें सबसे ज्यादा एक्साइटेड कौन है, एंड सेकेंड सबसे ज्यादा एक्साइटेड और सबसे ज्यादा डीपेस्ट कौन है। मतलब आप देखोगे ए बी सी डी ई डाउन गया, मान लो ये बंदा ही इज एक्साइटेड एंड मोस्ट डीपेस्ट, ये एक्साइटेड भी है और सबसे नीचे भी है। तो आपने काम इसके साथ भी नहीं करना, इसके साथ भी नहीं करना, इसके साथ भी नहीं करना। आपका जो वर्क एथिक्स जो काउंट होगा, आपने वर्किंग करनी है इस बंदे के साथ जो सबसे नीचे है। क्यों? अगर आप इसके साथ काम कर रहे हो, अगर आप इसके साथ वर्किंग कर रहे हो, ये बंदा ऑटोमेटिक एक्साइटेड है क्योंकि इसको लग रहा है कि मेरी जो अपलाइन है मेरी डाउनलाइन के साथ काम कर रही है। और उसको आप बोल सकते हो कि इनडायरेक्टली मैं काम आपके साथ कर रहा हूं, हालांकि मैं मोस्ट एक्साइटेड डीपेस्ट पॉइंट पर काम कर रहा हूं। अब ये वाला बंदा, क्योंकि इसकी डाउनलाइन के साथ आप काम कर रहे हो, तो अल्टीमेटली ये बंदा, इस बंदे के साथ भी आप काम कर रहे हो, इसके साथ भी काम कर रहे हो, इसके साथ भी काम कर रहे हो, मतलब इनके ग्रुप में सबसे डीपेस्ट पॉइंट पर आप काम कर रहे हो, वर्किंग कर रहे हो। इट्स कॉल्ड जंप थ्रू द विंडो। मतलब आप वाई 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 जाके एक मोस्ट एक्साइटेड डीपेस्ट पॉइंट पे आपने एक ऐसा लीडर ढूंढ लिया जो बहुत बढ़िया है। बढ़िया ये सभी है, ये बहुत सभी, ये चारों बंदे बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमें काम करना है मोस्ट एक्साइटेड डीपेस्ट पॉइंट पे। हमें काम करना है सबसे नीचे, हमें काम करना है सबसे ज्यादा डीप पे जो है, और इट्स कॉल्ड डेप्थ ड्राइव। अब इसके नीचे आपने फटाफट एक और बंदा ढूंढना है, फिर इसको इंडिपेंडेंट करके इसके साथ वर्किंग शुरू करवा देनी है, फिर इसके नीचे और, फिर इसके नीचे और, ऐसे करते 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 10, 20, 30, 40, 50, 100 आपने डीपेस्ट लेग तक इसको लेके जाना है, जितना डीपेस्ट हो सकता है उतना डीपेस्ट लेके जाना है। अब इससे बेनिफिट क्या होगा? ये भी एक्साइटेड, ये भी एक्साइटेड, ये भी एक्साइटेड, ये भी एक्साइटेड, तो आपका सैंडविच वॉल्यूम, मतलब सैंडविच वॉल्यूम मतलब आप और डीपेस्ट पॉइंट, आप और डीपेस्ट पॉइंट। यहां पे मान लो आप हो यू, एंड यहां पे डीपेस्ट पॉइंट है, ये भी एक ब्रेड है, ये भी एक ब्रेड है। इस वॉल्यूम को बोलते हैं सैंडविच वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? सैंडविच वॉल्यूम। अब ये सैंडविच वॉल्यूम क्यों आया? क्योंकि आपने मोस्ट एक्साइटेड डीपेस्ट पॉइंट पे काम किया, राइट? इट्स कॉल्ड सैंडविच। अब आपका जितना ये सैंडविच वॉल्यूम है, ये सैंडविच वॉल्यूम अल्टीमेटली डीपेस्ट पॉइंट पे काम करके आया। ये सैंडविच वॉल्यूम के लिए आपको काम नहीं करना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग में कभी सैंडविच वॉल्यूम के लिए मेहनत नहीं करनी चाहिए। अगर आप करते हो तो आपकी मेहनत बेकार हो रही है। मतलब आप इसके साथ भी काम कर रहे हो, इसके साथ भी काम, तो क्यों कर रहे हो? आप इसके साथ काम करो, इनको लीडर बनाओ, इनको मीटिंग में बुला के टीचिंग करो, इनको ट्रेनिंग दो, एक हाल में मीटिंग ऑर्गेनाइज करो, चाहे टिकट रख लो, कुछ भी करो, ऑफिस में मीटिंग करो, इनको हाल में बुला के इनकी ट्रेनिंग करो, लेकिन इनके साथ फील्ड में काम मत करो। फील्ड में काम करो द मोस्ट एक्साइटेड डीपेस्ट पॉइंट, ताकि आपका सैंडविच वॉल्यूम बड़ा बने, आपका जो ये सेंटर का वॉल्यूम है ये बड़ा बने। ये वॉल्यूम अल्टीमेटली फ्रीडम क्रिएट करता है आपकी, क्योंकि यहां पे आप काम करते हो 1% और 99% वॉल्यूम यहां पे आता है। लेकिन बेस्ट बात क्या है कि 1% के कारण ये 99% वॉल्यूम आ रहा है। अभी धीरे 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 यहां पे काफी वॉल्यूम ऑटोमेटिक जनरेट होना शुरू कर देगा, क्योंकि काफी लोग आपके सिद्धांत पे काम करेंगे, वो अपनी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या सिक्स लेग में ये मोस्ट एक्साइटेड डीपेस्ट पॉइंट क्रिएट करेंगे। और एक दिन आएगा कि आपका सैंडविच वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए आपको डीपेस्ट पॉइंट पे काम नहीं करना पड़ा, क्योंकि सभी लोग इंडिपेंडेंट हो गए, सभी लोग बढ़िया हो गए। अब जब आपका अच्छा वॉल्यूम इस लेग पे आए, तो इस लेग को बोलते हैं इंडिपेंडेंट लेग। क्या बोलते हैं इसको? इंडिपेंडेंट लेग। क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट लेग। जब ये लेग इंडिपेंडेंट हो जाए, काम करो तब भी आपको आ रहा है 10 लाख बीवी, काम ना करो तब भी आ रहा है 10 लाख बीवी, कोई आपके
प्रेजेंस आपकी एब्सेंस इस लेग के वॉल्यूम पे काम फर्क नहीं डाल रही, तब इस लेग को बोलते हैं इंडिपेंडेंट लेग। और जब आपकी एक लेग इंडिपेंडेंट हो जाए और आपने डाली छह लेग, तब आपने एक और लेग न्यू प्लेस करनी है, दैट इज कॉल्ड नेक्स्ट लेग, आपकी सेवंथ लेग। फिर धीरे धीरे हर एक लेग इंडिपेंडेंट होती जाएगी, इंडिपेंडेंट होती जाएगी, इंडिपेंडेंट होती जाएगी। आपने एट ए टाइम सिक्स लेग्स में काम करना है। और ऑलवेज रिमेम्बर, आपने दो सिद्धांतों को अपने साथ लेना है, विड्थ डेप्थ। एंड एक और कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं, दैट इज कॉल्ड आई एंड आई, इट्स कॉल्ड आई एंड आई कॉन्सेप्ट, इट्स कॉल्ड इंडिपेंडेंट एंड इनएक्टिव। कब किस लेग को छोड़ना चाहिए, नेक्स्ट लेग कब डालनी चाहिए, जब आपकी मान लो आपने छह लोगों का बैच एक बार डाला, छह ग्रुप आपने छह लेग्स का एक बार बैच शुरू किया, अब उन छह लेग्स को ड्राइव करना शुरू किया, दो महीने बाद देखा दो लेग इंडिपेंडेंट हो गई है, दो लेग खुद ब खुद काम कर रही है और दो लेग इनएक्टिव हो गई है, मतलब दो लेग अपने आप काम कर रही है और दो लेग काम बिल्कुल नहीं कर रही है, खत्म हो गया उस लेग में स्कोप, तो आपके एक हिसाब से चार लेग की वैकेंसी खाली है। तो आपने चार लीडर को रिक्रूट करना है, आपने चार नई लेग डाल दी है, क्यों, दो लेग होगी इंडिपेंडेंट और दो लेग होगी है इनएक्टिव, तो आपने चार लेग और नहीं डालनी है, आपने एट ए टाइम छह लेग में काम करने हैं, आपका एफर्ट छह लेग में आना ही आना चाहिए। चाहे आपकी लेग लॉन्ग डिस्टेंस है, कोशिश करो लॉन्ग डिस्टेंस लेग को अपने घर के आसपास लेके आओ। कैसे, मान लो आपने बंदे को स्पॉन्सर किया जो दिल्ली में है, अब इस लेग को अपने घर में अपने शहर में लेके आने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, इस लेग के नीचे अपने सिटी का कोई बंदा स्पॉन्सर कर दो। अब ये दिल्ली में बैठा बंदा, आप बैठे मुंबई में, हजारों किलोमीटर का फासला है, लेकिन आप इसको बोल सकते हो मैं आपकी एक लेग संभाल रहा हूं, आप ऐसे करो काम करो बॉम्बे, राइट। तो भाई यहां पे वही कंसेप्ट शुरू हो गया, मोस्ट एक्साइटेड डीपेस्ट पॉइंट। इस हिसाब से आप लॉन्ग डिस्टेंस ग्रुप बिल्ड कर सकते हो, सिर्फ इस कंसेप्ट से लॉन्ग डिस्टेंस ग्रुप को आप बिल्ड कर सकते हो मोस्ट एक्साइटेड डीपेस्ट पॉइंट पे। चाहे लेग किलोमीटर चाहे हजार किलोमीटर पे बैठी है, उसको अपने लोकल एरिया में लेके आओ और वहां पर सैंडविच वॉल्यूम क्रिएट करना शुरू करो, उसको लीडर बनाओ, क्यों मीटिंग में जोड़ो उसको, उसको ऑडियो वीडियो जैसे यूट्यूब पे वीडियोस को दिखाओ, उसको भेजो व्हाट्सएप पे सेंड करो, वो इंडिपेंडेंट होगा। और जो इस माहौल से खुश नहीं है, जो नेटवर्क मार्केटिंग में आके वीडियो बुक्स मीटिंग्स वगैरह खुश नहीं होता, इनसे जुड़ता नहीं है, खुशी नहीं मिलती उसको, उसको आप छोड़ दो, वो कुछ नहीं करेगा। पैरामीटर्स है, एक कस्टमर होता है, एक कंसल्टेंट होता है। कस्टमर वो जो सिर्फ प्रोडक्ट यूज करता है, कंसल्टेंट वो जो काम भी करता है, मीटिंग देखता है, बुक्स पढ़ता है, ऑडियो वीडियो सुनता है। अगर वो ऐसे काम नहीं करता वो सिर्फ कस्टमर, उसको छोड़ दो, उसके साथ काम मत करो, मत करो उसके साथ काम। 80-20 का रूल यहां पे भी लागू होता है कि 80 लोग कस्टमर ही होंगे, 20 लोग कंसल्टेंट होंगे या नेटवर्क आपका बिल्ड करेंगे आपके साथ। तो हर किसी को खींच खींच के मत लाओ बिजनेस में, राइट। इसका पार्ट टू बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में बात करूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।